रह बिना प्रसाद वरतावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कल पॉइंट यहाँ पर छूटा था लंगर प्रसाद पर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में एक हिस्सा सत्संगत का लंगर भी है ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में लंगर एक सपोर्ट है। बड़ी ध्यान से सुनना, ये बहुत मेन पॉइंट है। ये जितने भी स्थान के जितने भी प्रबंधक हैं सब सुन लें, और ये तो हर प्रबंधक को तो जरूर सुननी चाहिए ये बात, किसी भी गुरुद्वारे का वो हो, क्योंकि हमने सत्संगत से ज़्यादा महानता लंगर को दे दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर बहुत ज़रूरी है, पर लंगर सत्संगत की वजह से लंगर है, लंगर की वजह से सत्संगत ना हो जाए कहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेन पॉइंट है सत्संगत, लंगर उसकी सपोर्ट के लिए है कि आदमी खाकर बैठे, तृप्त होकर बैठे, ताकि उसका मन जुड़े। ये नहीं कि बाहर 36 प्रकार के भोजन लगे हों और अंदर बैठने वाले के मन बाहर हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आजकल ये ट्रेंड बन गया है, खास करके आप नॉर्थ साइड में चले जाओ, बॉम्बे में भी। बीच में यहाँ पे इतना बड़ा कीर्तन दीवान हुआ बॉम्बे में, सारे बड़े से बड़े रागी, जितने भी गाने को गाने वाले रागी होते हैं, बड़े नाम वाले, सबको बुलाया गया। जू पर प्रोग्राम था और रागी, हर रागी एक ही अनाउंसमेंट कर रहा था, भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, जगह खाली पड़ी है, इतनी संगत आई है, हम जब आए हैं रास्ते भरे पड़े हैं, पर अंदर कोई आ ही नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहा। क्यों? बाहर 36 प्रकार के लंगर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार दास को दिल्ली बुलाया गया एक जगह पे, कुछ साल पहले की बात है, कीर्तन करने। वो जहाँ से कीर्तन करने के लिए जाना था ना, इतना ही लंबा रास्ता था, जहाँ से समझो वो किशोर पेटी से यहाँ तक गेट तक लाइन से पकवान बन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और स्टॉल से लगे हुए हैं। अब मैं कीर्तन करने जा रहा हूँ, मेरा मन भी खाने का कर रहा है, तो संगत का कहाँ मन करेगा बैठने का? मेरी तो मजबूरी है, मुझे बैठ के कीर्तन करना है, मैं रुक नहीं सकता। संगत के पास क्या है, वो तो बैठ के खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो ट्रेंड है अभी, इतना सारा लंगर की। और जब कहो ना कि पहले कीर्तन होने दो फिर लंगर चालू करो, तो पता है जवाब क्या मिलता है? गुरु अमरदास जी का ये वचन है कि पहले पंगत फिर संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही है, पहले पंगत फिर संगत। पंगत में दाल रोटी है, सादा लंगर होता है, बैठ कर उसके बहुत सारी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसके बारे में पूरा रहतनामा उच्चारण किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि लंगर बनना कैसे है, बनाना कैसे है, बांटना कैसे है, करना क्या है, कहाँ बैठ के खाना है, खड़े होकर खाना है कि बैठ के खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर शेफ बना रहे हैं खाना, अगर बनाने वाले जो बाहर से पैसे देकर बना रहे हैं खाना, वो लंगर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर प्रसाद जो संगत बनाए नाम जपते हुए। गुरु अमरदास जी ने जब कहा था पहले पंगत फिर संगत, 24 घंटे कीर्तन चलता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे हरिमंदर साहब में 24 घंटे कीर्तन चलता है, तो आदमी 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा, थक गया, फिर भूख लगी, चला गया, फिर आके फिर सुन सकता है। जब दीवान ही 2-3 घंटे का हो, लोग दूर दूर से आए हों, इतना खर्चा किया हो, किस लिए किया है कि जीवन किसी का बदले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस लिए किया है कि कुछ सीखने को मिले, कि आटा खाने आए हैं यहाँ पर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन तो रोज खाती हैं सब। जब सत्संगत रखो, जब दीवान रखो, तो पहले भोजन खिला के भेज दो, एक बार कीर्तन शुरू हो जाए, उसके बाद लंगर बंद कर दो, फिर समाप्ति के बाद लंगर। क्योंकि असल मकसद लोगों का जीवन बदलना है, खाना खिलाना नहीं। खाना लोग रोज खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने इतना खर्चा किया है, क्योंकि मैं जहाँ भी प्रोग्राम होता है ना कीर्तन का, ये प्रॉब्लम आज फेस करनी पड़ती है, मुझे समझाना पड़ता है। वो कहते भाई साहब लंगर कैसे बंद करें, संगत खाने बैठी है। अरे संगत लंगर खाने के लिए बुलाई है आपने, कि कीर्तन सुनने के लिए बुलाई है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन पलटेगा कीर्तन से, सत्संगत से, के लंगर से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाकर, थोड़ा खाकर तृप्त होकर बैठना है, लंगर इसलिए है। दूसरा, बाद में लंगर इसलिए रखा है, उसके कारण है कि जो माताएं बहनें बैठी हैं वो बेफिक्र होकर सत्संग सुने, आनंद लें, कि घर जाके खाना फिर बनाना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कंसेप्ट था।
जोड़ा घर क्यों बनाया है? चप्पल ऐसे भी उतार के जा सकती है कि अंदर बैठ के कहीं यही ना डर रहे कि मेरी चप्पल कोई ले जाएगा। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अब इसी डर में बैठे रहा, कोई महंगा जूता पहन के आया मेरा कोई ले जाएगा तो ध्यान कैसे जुड़ेगा? इसलिए जोड़ा घर बनाया है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जोड़े सेफ हैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बैठे निश्चिंत होकर ना चप्पल का डर रहे, ना भोजन का डर रहे कि कीर्तन के बाद खाना मिलेगा। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कि कीर्तन छोड़ के बाहर खाते बैठे। अभी लंगर है क्या? लंगर को प्रिंसिपल सतवीर सिंह जी, भाई कान सिंह नाभा ने बड़ा प्यारा डिस्क्राइब किया है। जहाज जाता है पानी में, जब उसे रोकना होता है तो एक लंगर छोड़ते हैं, पता है ना, उसे लंगर कहते हैं जो छोड़ते हैं। वो धरती पर जाकर गिरता है, बहुत हैवी होता है, और जहाज रुक जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पानी में ब्रेक नहीं होती, लंगर से रोकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टायर तो चल नहीं रहे, एक बड़ा सारा लंगर फेंकते हैं जिससे धरती पर जाके वो रुकता है और शिप रुक जाती है। लंगर क्यों नाम दिया गया इसे? नीचे धरती पर जाकर जब गुरु अमरदास जी ने लंगर का प्रथा शुरू की, उस वक्त ऊंची जात नीची जात भेदभाव बहुत ज़्यादा था। उसे ख़त्म करने के लिए गुरु अमरदास जी ने ये फैसला किया कि आज के बाद जो भी अंदर दर्शन करने आएगा पहले पंगत में बैठकर लंगर खाएगा। भाव सब अमीर गरीब छोटी जात बड़ी जात एक साथ धरती पर बैठकर भोजन खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले मन से भेदभाव मिटाए, विनम्र होकर अंदर आए तभी तो कुछ लेके जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अहंकार में भीतर है तो कुछ मिलेगा नहीं, और उस समय ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था कि मैं बड़ी जात वाला छोटी जात के साथ नहीं बैठूंगा। गुरु अमरदास जी ने असल में इस कंसेप्ट को ख़त्म किया, बड़ी जात छोटी जात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर राजा भी जब मिलने आया था ना, अकबर राजा गुरु अमरदास जी के बाहर खड़ा हो गया कि दर्शन करने, तो गुरु अमरदास जी ने सेवादार से कहलवाया कि पहले पंगत में बैठ कर लंगर छक कर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अकबर राजा पंगत में बैठकर भोजन खा के आया था सबके साथ कॉमन मैन की तरह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब गुरु अमरदास जी ने उसे दर्शन दिए थे, ये कंसेप्ट था उस वक्त, आज भी है। अगर कीर्तन में बैठना है, बाहर से घर से कुछ खा के आए या बाहर से उस वक्त लंगर चल रहा है, पर कीर्तन में बैठने के बाद लंगर के लिए तो मत उठो। वो बॉम्बे में हर रागी यही अनाउंस करता रहा कि भाई आ जाओ अंदर आ जाओ। और आप कोई भी दीवान देख लो जहाँ बहुत सारे कीर्तन चल रहा होता है और 5-6 घंटे का कीर्तन होता है और बाहर स्टॉल लगे होते हैं, हर कीर्तन ये है कि हर प्रबंधक अनाउंसमेंट कर रहा होता है हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, भाई जो बाहर खड़े हैं जो बातें कर रहे हैं जो लंगर छक लिया अंदर आ जाओ बैठो, कीर्तन ये कीर्तन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कितनी बड़ी निरादरी है गुरबाणी की कि गुरु की बाणी को छोड़ के हम पेट पूजा में लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।